तो अभी कंपनी के गेट पे बहुत सारे लोग आए हैं ज्वाइनिंग के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लड़के हैं और आगे भी गेट पे बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहे हैं। सारे लड़के अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके टाइम पे यहाँ पे आ गए हैं। आप देख सकते हो सारे लोग आए हैं यहाँ पे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि आप जाबिल कंपनी कब जाओगे, रंजनगांव कब जाओगे। तो फाइनली दोस्तों, मैं भी रंजनगांव आया हूँ और सबसे बड़ी कंपनी, बहुत ही अच्छी MNC कंपनी जाबिल कंपनी के गेट पे मैं अभी जाने वाला हूँ। और जाबिल कंपनी के गेट पे जाने के बाद आप लोगों को सारा व्यू दिखाऊंगा, कंपनी कैसी है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, किन किन लोगों के लिए वैकेंसी रहती है, सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और अभी वैकेंसी चल रही है कि नहीं। तो वीडियो में बने रहना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कंपनी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसी, हर चीज़ आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारा चीज़ गेट पर जाने के बाद दिखाते हैं। बहुत सारे लोग आए हैं, देख रहे हैं सारे लोग। कुछ लोग जिनके पास बाइक है, बाइक से आ रहे हैं। एक बाइक पे तीन चार लोग आए हुए हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे मेल कैंडिडेट आए हैं, यहाँ पे मेल, फीमेल, जिसका एज 25 है वो लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। देख रहे हो फीमेल कैंडिडेट्स भी कितने देर से यहाँ पर खड़ी है और वेट कर रहा है कभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर आए या फिर कंपनी वाला आए। और इधर आप यहाँ पर देख रहे हो, इस साइड से, इसका लेफ्ट साइड में कंपनी है और कंपनी का गेट मैं आप लोगों को अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख रहे हो यहाँ पे कंपनी का ये गेट है और एक सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है। आप यहाँ पे आगे जाके विजिट कर सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड से पूछ सकते हो। कुछ लड़के यहाँ पे भी आए हैं, सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहे हैं। आप भी ऐसे यहाँ पे आके कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से बात कर सकते हो और पूछ सकते हो। वैसे तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर आपको गेट पे मिलेंगे नहीं, वो कैंटीन में बैठते हैं, जब वैकेंसी आता है वहीं पर सारे लोग आते हैं। तो ये कंपनी का गेट है पूरा, आप डायरेक्ट कंपनी के गेट पर भी आ सकते हो। और ये कंपनी बहुत ही बड़ी है, आप देख सकते हो ये जाबिल का ही पूरा कैंपस है। और देख रहे हो ये पे और ये कंपनी बहुत बड़ी है और ये अभी बन ही रही है। पहले ये कंपनी बहुत ही छोटी थी, अब धीरे धीरे करके ये कंपनी बहुत ही बड़ी आ रहा है, जैसे जैसे कंपनी का बजट बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन जगह भी है और कितना अच्छी, पूरा शीशा वगैरह, जब भी आप आओगे तो दूर से ही आपका अट्रैक्शन हो जाएगा कंपनी के ऊपर। और अंदर भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर से ही कंपनी देखने में अच्छा लग रहा है, बाहर भी उसका फैसिलिटी भी उतनी अच्छी है जितना ये बाहर से दिखती है, उतना अंदर भी है। और देखिए सारे मजदूर यहाँ पे जब भी जॉब कर रहे हैं, जैसे वेल्डर हो गया, फिटर हो गया, ये सब कंपनी का स्ट्रक्चर अभी बन रहा है बाहर बाहर से। और पूरा कंपनी, मतलब कंपनी को बड़े करने में ये लोग लगे हुए हैं और ये बहुत ही MNC कंपनी है भाई। तो फाइनली दोस्तों, अभी मैं जाबिल कंपनी के पास हूँ और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने लिया कंपनी गेट पर जाने के बाद। बहुत सारे लड़के हमसे मिले और यहाँ पर जॉब कर रहे थे और बहुत सारे लड़के आज ज्वाइनिंग के लिए भी आए थे। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लिया दोस्तों कि यहाँ पे किन किन लोगों के लिए वैकेंसी चल रही है और अब कब वैकेंसी निकलती और कब क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने लिया। और तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने पूछा कि यहाँ पे किन लोगों के लिए वैकेंसी रहता है, तो उसने बोला कि एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड यहाँ पर आपको जॉब देखने को मिलता है। यहाँ पर अक्सर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस ही जॉब देखने को मिलती है, चाहे आपका 10th पास हो, 12th पास हो या फिर ITI डिप्लोमा हो। और दोस्तों मैं अभी कुछ देर बाद बताऊंगा कि यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर फैसिलिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे बस, कैंटीन सब कुछ फ्री देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मैंने बात किया, यहाँ पे जो जॉब कर रहे थे और ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे जितने भी लड़के आए थे, आपने अभी गेट पर देखा, और बस कैंटीन बहुत ही अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी देखने को मिलता है और बहुत ही बड़ी और अच्छी MNC कंपनी है। आप इसका बैकग्राउंड अभी भी यहाँ पर देख सकते हो, मैंने बताया 10th, 12th ITI डिप्लोमा सालों के लिए रहता है। और दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे आपका ATM हो गया, ATM के में जो चिप देखते हो वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा दोस्तों आप जियो फाइबर देखते होंगे, जियो का अब टावर जो बनता है आजकल, तो नेटवर्किंग का सिस्टम है जो 5G आ गया है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती है ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, बारीक बारीक चीज़ें, जैसे कि आपका PCB हो गया, रेडियो वगैरह, फ़ोन वगैरह में जो PCB रहता है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन है, जॉब लगती है तो आप बल्ले बल्ले। और दोस्तों यहाँ पर जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, आप जो सोचोगे कि डायरेक्ट कंपनी गेट पर आएँ, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह मिल भी जाए, आपको ऐसे नहीं होता है। हाँ, आपको अगर कॉन्ट्रैक्टर कॉल किया तो आप डायरेक्ट कंपनी के गेट पर जा सकते हो जिस दिन वो कॉल करता है कि यहाँ पर वैकेंसी चल रही है। तो दोस्तों आखिर जॉब कैसे लेगा एक फ्रेशर कैंडिडेट, और उसका यहाँ पे कोई रेफरेंस भी नहीं हो, और वो डायरेक्ट कंपनी के गेट पे आते हो। मैंने बताया कि डायरेक्ट कंपनी के गेट पे आओगे तो जॉब नहीं लगेगी,
आखिर लगेगा कैसे। तो दोस्तों हमारे टीम मेंबर यहाँ पे अभी फ़िलहाल भी जॉब कर रहे हैं, अगर किसी को जाबिल में जॉब चाहिए तो उनको जॉब मिल जाएगा, बस उसको हमारे टीम मेंबर से हेल्प करना पड़ेगा, ऐसे वो दिलाएगा। तो ऐसे अगर आ सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी गेट पे भी, आपको अगर कोई रेफरेंस आता है तो बल्ले बल्ले स्टॉप लग आराम से ज्वाइनिंग हो जाएगा। रंजन गाँव है दोस्तों, अब बहुत ही अच्छी MIDC है, अगर रंजन गाँव का नाम बोले तो एक ही दो कंपनी हमारे नज़र में आता है, जाबिल है, ऐसे ही दो तीन कंपनी ही आती है जो कि बहुत ही बड़ी अच्छी कंपनी है। और वो लोग बोल रहे थे कि कब जाओ जाबिल कंपनी, वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर मर दो लड़के का। दोस्तों कोई भी आपका लड़के वगैरह डायरेक्ट मतलब बाहर तो निकलता ही नहीं है, क्योंकि उसका बस बहुत दूर दूर से भी आती है, आपके इतना अच्छी फैसिलिटी है कि आपके रूम के आसपास यहाँ पे छोड़ देती है कंपनी, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, कैंटीन वगैरह सारे कुछ आपको अच्छे मिलेगी। क्या रसन जी? जी जी बिल्कुल, इसमें जो है ना बस कैंटीन हर एक सुविधा, नाश्ता अगर आप रुकते हैं तो आपको ओवर टाइम 110 रुपये घंटा, प्लस में आपको किसी भी बर्थडे होगा ना आपका जन्मदिन, तो आपको कंपनी में केक काटा जाएगा, आपको उसका गिफ्ट भी दिया जाएगा, इस तरह का सुविधा है। और इसमें बहुत दोस्तों का सवाल होता है इसमें बनता क्या है, तो मैं इसमें जो ATM होता है ना उसका PCB जो होता है ना वो बनता है, जो इलेक्ट्रिक वो होता है ना LCD होता है, जियो 5G का जो होता है इरिक्सन, जो सऊदी अरब जो इंटरनेट जो सब में लगा वहीं से जाता है यूनिट वाई का, समझ सकते हाई कंपनी, और अमेरिका नहीं है तो अमेरिका से जाता है यूनिट वाई का, समझ। तो दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने लिया जाबिल कंपनी पे आने के बाद, रंजन गांव आने के बाद, आप लोग के साथ शेयर किया, तो वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए, और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी कंपनी के बारे में, अभी फ़िलहाल मैं हूँ, पता नहीं कितने दिन तक रहूँगा, तो आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा आपकी ख्वाहिश को पूरा करने की। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।